हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यस बैंक में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। यस बैंक के हम यहां पर डिजिटल अकाउंट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए अकाउंट सबसे बेस्ट होने वाला है। यस बैंक की ओर से यहां पर दो सेविंग अकाउंट के वेरियंट है जिसको कि आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। दोनों अकाउंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में कंपेरिजन करके बताया हुआ है कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट रहेगा। जब आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको वीजा का एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जो कि इस पर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस डेबिट कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑफलाइन में एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, और जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है वो विद इन 30 डेज के अंदर आपके घर पर आ जाता है। इसमें यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, यस बैंक की ओर से बताया जाता है कि उस पर आपको अप टू 24,000 तक का लाइफस्टाइल ऑफर देखने को मिल जाता है। बट ये बैंक की बात है, थोड़ा बहुत इसमें आपको ऑफर्स देखने को मिलते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर इस अकाउंट में आपको NEFT, RTGS एंड ऑल्सो IMPS की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। नेट बैंकिंग में यहाँ पर आप NEFT और RTGS जैसे ट्रांजेक्शन को आप इजिली कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इसकी मोबाइल बैंकिंग की अप्लीकेशन आती है, उससे आप IMPS ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। IMPS ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी भी बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग की ऐप होती है उसी को कहा जाता है IMPS। मतलब कि यहाँ पर IMPS फैसिलिटी का ऐप यूज करके किसी भी पर्सन के पास आप रुपीज को सेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आपके लिए एक भी रुपीज इसके चार्ज आपको नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ आपको उस बैंक की मोबाइल बैंकिंग की ऐप को इंस्टॉल करनी रहती है एंड आपको पेमेंट करनी पड़ती है। साथ ही इस अकाउंट में आपको UPI की फैसिलिटी मिल जाती है, तो अगर आप UPI बेस्ड एप्लीकेशन आई मोबाइल पे या फिर गूगल पे फोन पे जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस अकाउंट के साथ ईजिली कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट के इंस्टेंट। जैसे आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं, इंस्टेंट यहाँ पर आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड जैसे आप वीडियो KYC कंप्लीट करते हैं, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है, जिस अकाउंट नंबर का यूज करके यहाँ पर आप UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग को बना सकते हैं। सभी चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पर आपको इंस्टेंट मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको इसके अकाउंट की अदर फैसिलिटीज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको यस बैंक की यस रोबोट और व्हाट्सअप बैंकिंग दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। यस रोबोट यहाँ पर जब आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक रोबोटिक मैग्नेटिक सिस्टम चलता है, जो कि वहाँ पर आप उससे इंगेज होकर के एंड अपने अकाउंट रिलेटेड कुछ भी आपको क्यूरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही इसमें आपको व्हाट्सअप बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। सभी बैंकों की ओर से यहाँ पर व्हाट्सअप बैंकिंग लगभग ला दिया गया है, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप बैंकिंग का यूज करके आप अपने अकाउंट से यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि बैलेंस चेक करना हो गया, लास्ट 3 ट्रांजेक्शन देखना हो गया, जितनी भी यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलती हैं व्हाट्सअप बैंकिंग में, सारी कुछ मिल जाती है। साथ ही इस अकाउंट में यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यस बैंक की ओर से यहाँ पर न्यू रुपे NPC क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जो कि जल्द ही अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका यस बैंक में अकाउंट रहेगा तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएगा। तो अभी आपके लिए एक सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है यस बैंक में अकाउंट ओपन करने का। साथ ही इस अकाउंट में यहाँ पर आपको वीडियो KYC की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ब्रांच में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सारा जो आपका काम है ऑनलाइन घर बैठे आप अकाउंट ओपन करेंगे एंड उसकी KYC भी आप घर बैठे ही कर पाएंगे। साथ ही आपको अदर बैंकों की तरह मंथली ईमेल पर ई स्टेटमेंट एंड यहाँ पर आपको SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो आई होप मैंने सभी जो फीचर्स होते हैं वो बता दिया है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको अकाउंट ओपन करने का जो जर्नी है उसको स्टार्ट करके और आपको बता देता हूँ कि कैसे इस बैंक में हमको अकाउंट ओपन करना है। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है एंड जब आप इस पेज पर आएंगे आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा ओपन डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। ये जो अकाउंट है ऑनलाइन ओपन होता है एंड अब यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आ जाना है। यहाँ पर इस अकाउंट रिलेटेड आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाते हैं, सभी फीचर्स के बारे में यहाँ पर इस पेज पर बता दिया जाता है, तो आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं या फिर मैंने आपको भी बता भी दिया है। आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट के बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। देन अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स इनके साथ शेयर करनी है। देन यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर को आप सिंपली एंटर कर देंगे इस बॉक्स में। देन यहाँ पर मैंने एंटर कर दी है। अब यहाँ पर आपको एक कैप्चा शो होता है, सिंपली आपको उस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर चलिए मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही एंटर अभी कर देता हूँ आपके सामने ही,
यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर दी है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि लोडिंग हो रहा है, आपको कुछ टाइम तक का वेट करना है। यहाँ पर बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, आपको OTP को डायरेक्ट फिल कर देनी है। चलिए हम OTP फिल कर देते हैं। OTP को सिंपली यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, अब यहाँ पर लोडिंग होता है। देन यहाँ पर अब आपको बताया जाता है कि अपनी ईमेल आईडी को एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ध्यान में रखेंगे कि यही ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है, तो यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को फिल कीजिएगा। इसी पर आपका ईमेल मंथली जो स्टेटमेंट आता है इसी ईमेल आईडी पर आने वाला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर फिल कर ली है। चलिए हम वेरीफाई के बटन पर अब क्लिक कर देते हैं। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे लोडिंग होता है। बताया जाता है कि एक वेरीफिकेशन मेल लिंक आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। सबसे पहले आपको ईमेल अपने फ़ोन की ओपन कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन करना है। तो चलिए हम अपनी ईमेल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी ईमेल आईडी ओपन कर ली है एंड यहाँ पर हमको एक लिंक शो हो रहा है। सिंपली चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड अपने लिंक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जाता है कि एक्टिवेट ईमेल एंड बताया जाता है कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ओके कर देनी है एंड देन यहाँ पर जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे उसी प्रोसेस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं देन अब यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर को फिल कर देनी है। जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। पैन नंबर को यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली तरीके से फिल कर ली है एंड यहाँ पर लोडिंग होता है एंड बताया जाता है कि नेम एज पर पैन, यहाँ पर हमारी पैन कार्ड की जो नेम है ये शो कर दी गई है एंड ये हमारा बताया जाता है कि किस कंपनी का पैन है, जो कि NSDL का ये पैन कार्ड है। देन अब यहाँ पर आपको अपनी आधार नंबर को एंटर कर देनी है, तो जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है, UID नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको यहाँ पर आपको एंटर करनी है। यहाँ पर मैंने आधार नंबर को फिल कर लिया सिंपली कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जो टिक आउट मिला है इसको एक बार इस पर टिक करनी है एंड देन लोडिंग फिर से होता है। अब यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो बताया जाता है कि आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP फिर से सेंड किया गया है, आपको आधार OTP को फिल कर देनी है। तो चलिए मैं आधार OTP को फिल कर देता हूँ। ये आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उसी पर सेंड किया जाता है, तो चलिए मैं एक बार उसको फिल कर लेता हूँ। OTP यहाँ पर मैंने फिल कर ली है एंड देन फिर से लोडिंग होता है। अब यहाँ पर आपको चेक किया जाता है कि आपने जो OTP फिल किया है वो रॉन्ग या राइट फिल किया है। देन अब यहाँ पर आपको कुछ टिक आउट करने होते हैं, जैसे कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन फर्स्ट वाला टिक आउट है, इस पर आपको टिक कर देनी है। एंड जो सेकेंड टिक आउट है ये सिटीजन से रिलेटेड है कि आप एक इंडियन सिटीजन है एंड ओनली आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं, टैक्स रिलेटेड है। यहाँ पर आपको सिंपली टिक आउट करना है एंड देन आपको प्रोसीड का एक बटन मिल रहा है, सिंपली आपको प्रोसीड कर देनी है कुछ इस तरीके से जैसा कि ने अभी कर दिया है। अब ये लोडिंग होता है, फिर से यहाँ पर आपकी जो डिटेल है इसको फेच की जाती है, आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जाता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन फुल KYC फीचर्स यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप अपने अकाउंट की फुल KYC कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सभी फीचर्स इसमें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपने सेविंग अकाउंट को चूज कर पाएंगे। इंस्टेंट यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा आपको अपनी अकाउंट की, जो कि 0 पेपर वर्क है। यहाँ पर फुल्ली तरीके से आपका जो अकाउंट हो रहा है अभी ऑनलाइन ओपन हो रहा है, पेपर वर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंस्टेंट यहाँ पर आपका जो नेट बैंकिंग होगा वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा एंड ऑल्सो मोबाइल बैंकिंग भी। एंड यहाँ पर आपको इस अकाउंट की जो वैलिडिटी रहेगी अनलिमिटेड रहेगी। यहाँ पर आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के आप इस अकाउंट में डिपॉजिट एंड स्पेंड कर पाएंगे, यानी कि यहां पर उसको निकाल पाएंगे या फिर ऐड कर पाएंगे इस अकाउंट में। अब यहां पर आपको ओपन फुल KYC अकाउंट का एक बटन मिल रहा है, सिंपली आपको इस बार एक बार क्लिक कर देनी है। यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे बताया जाता है कि कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन और बताया जाता है कि एक वीडियो कॉल के थ्रू आपको KYC अपने अकाउंट की कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि वीडियो KYC अकाउंट है। सिंपली आपको ओके के बटन पर क्लिक करनी है। देन यहां पर आपको KYC टाइप में फुल KYC रहता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट प्रो एंड सेकंड में आपको सेविंग अकाउंट प्रो प्लस अकाउंट के आ जाता है ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको दोनों अकाउंट के बारे में कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर देता हूँ कि किसमें आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो सबसे पहला है जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट प्रो अकाउंट है, इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपीज़ आपको बैलेंस इस अकाउंट में मेंटेन करने हैं, जो कि यहाँ पर मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। साथ ही जब आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे, अगर आप इस वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको फ्री वीजा का एक प्लैटिनम वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप से आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका आप यूज यहाँ पर आप डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कर पाएंगे, जो कि 50,000 तक की इसके लिमिट बताई जा रही है एक दिन की। साथ ही यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाता है अगर आप यहाँ पर यस बैंक के ATM का यूज करते हैं। तो अदर बैंक अगर आप ATM यूज करेंगे तो उसमें यहाँ पर 4-5 लिमिट लगे हुए होते हैं,
मंथली जो कि आपको पता होगी। यहाँ पर आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा यस बैंक के ऑनलाइन, यहाँ पर जितने भी सर्विसेज हैं प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, IMPS, NEFT, RTGS एंड ऑल्सो UPI, यानी कि यहाँ पर आप इंस्टेंट UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर जितने भी UPI की एप्लीकेशन होती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इंस्टेंट इसमें एक्सेस मिल जाएगा यस रोबोट और व्हाट्सअप बैंकिंग की, जिसके मदद से अपने अकाउंट की यहाँ पर एक्सप्लोर काफ़ी और इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट की ले सकते हैं यहाँ पर आप इन दोनों प्रोडक्ट का यूज करके। साथ ही यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट प्रो प्लस की बात कर ले तो इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपीज मेंटेन करना है। यहाँ पर आपको इसमें एक टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी एनुअल चार्ज यहाँ पर यानी कि वन ईयर की जो चार्ज है 399 है, यानी कि 400 रुपीज़ है। साथ ही यहाँ पर लाइफ स्टाइल बेनिफिट इसमें यहाँ पर आपको 24,000 तक की मिल जाती है, यहाँ पर आपको बेनिफिट अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इसमें भी आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं यस बैंक के ATM से, जिस तरह यहाँ पर ऑप्शन थे उसी तरह यहाँ पर भी है। सिर्फ यहाँ पर आपको 25,000 अगर मेंटेन करते हैं, जो कि 15,000 अधिक है, तो यहाँ पर आपको एक टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड मिलेगा, जिस पर कि आपको 24,000 तक की यहाँ पर बेनिफिट फीचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक इसकी चार्ट भी है, यहाँ पर मैं आपको बैंक की ओर से एक चार्ट भी इशू किया गया है, उसको भी एक बार यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कौन से अकाउंट की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी आपको चार्ट दिखा दूंगा, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। यहाँ पर आपको जो सेविंग अकाउंट प्रो वाला अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी की ओर जाइए, बिकॉज यहाँ पर अगर आप सेविंग अकाउंट प्रो वाले अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 10,000 रुपीज बैलेंस मेंटेन करनी है। साथ ही यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटी दे दी जाती है, लेकिन वहीं अगर आप 15,000 रुपीज ज़्यादा यानी कि यहाँ पर प्रो प्लस अकाउंट की ओर जाते हैं, जो कि 25,000 रुपीज़ जिसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने हैं, तो यहाँ पर आपको एक टाइटेनियम प्लस डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि आपको बेनिफिट यहाँ पर 24,000 तक का मिल जाता है। लेकिन ये बैंक वाली बात हो गई, यहाँ पर आपको वहीं सारी कुछ नॉर्मल बेनिफिट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा फीचर बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पर आप जा सकते हैं सेविंग अकाउंट प्रो प्लस की तरह। यहाँ पर मैं अभी सेविंग अकाउंट प्रो वाले अकाउंट का हैं डेमो बताऊंगा, तो चलिए हम यहाँ पर ओपन नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको दोनों में ओपन नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट प्रो प्लस वाला वेरियंट सेलेक्ट करते हैं तो यस करके डायरेक्ट यहाँ पर आप डेबिट कार्ड के लिए भी इंस्टेंट के इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम अभी प्रो वाले अकाउंट को ही सिलेक्ट करते हैं। ओपन नाउ का एक बटन मिल जाता है, सिंपली हम ओपन नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और ये मेरे को बताना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी था, नहीं तो यहाँ पर आप जरूर से सोचने में पड़ जाएंगे कि कौन से अकाउंट की ओर हमें जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताने की कंप्लीट यहाँ पर सोचूंगा कि कहाँ जहाँ तक प्रोसेस हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर्सनल डिटेल का है, सेकंड में प्रोफाइल ऑप्शन है और थर्ड में प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाता है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल आ जाती है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का फोटो आ जाता है, कंप्लीट यहाँ पर जो आधार कार्ड से डिटेल ली जाती है वो सारा कुछ आ जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ कुछ डिटेल यहाँ पर अभी बाकी हैं जो कि आपको फिल करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मदर्स मैडन नेम का ऑप्शन आ जाता है, तो इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपनी मदर्स की जो मैडन नेम है उसको एंटर कर देनी है। देन यहाँ पर आपको सिटी ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपकी जो जन्म हुई है कौन सी सिटी में हुई है, यहाँ पर सिंपली अपने सिटी के नेम को आप टाइप कर देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर टाइप कर दिया है। देन यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। देन यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल में कंप्लीट यहाँ पर आपके आधार कार्ड वाले ही एड्रेस आ जाती है, तो इसमें भी आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको करंट एड्रेस सेम एज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हैं वहीं आपका परमानेंट एड्रेस है, तो ये ऑटोमेटिकली रहता है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों डिफरेंट है, तो अदर्स पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको ओके करना है एंड यहाँ पर जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पर आप सिंपली एंटर कर देंगे। अभी हमारा केसेस में हमारा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मैंने परमानेंट पर क्लिक कर दी है। देन यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ स्टे इन करंट सिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर अभी तक कितने दिनों से आप इस सिटी में रह रहे हैं यहाँ पर आपको बता देने हैं, कितने साल और कितने महीने, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपनी मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देन यहाँ पर बताया जाता है कि प्लीज नोट ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द एड्रेस ओनली, यानी कि यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन होगी बैंक की ओर से कुछ भी आपको सेंड किया जाएगा, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो या फिर कुछ भी हो, या आपके कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि यहाँ पर जो अभी आपका एड्रेस है इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर अपने जो जिस एड्रेस पर आते हैं उसी एड्रेस को एंटर कीजिएगा।
देन अब यहाँ पर आपको नियरेस्ट ब्रांच डिटेल्स एंटर कर देनी है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच होगी वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे नियरेस्ट में अभी तीन ही ब्रांचेस के आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर यस बैंक के तीनों ब्रांच हैं। आपके घर से नज़दीक जो भी इसका ब्रांच होगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा एंड यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्रांच सेलेक्ट किया है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है यहाँ पर इस ब्रांच की कंप्लीट IFSC कोड आ जाती है, ब्रांच का यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आ जाता है, जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐड नॉमिनी डिटेल्स, क्या आपको इस अकाउंट में नॉमिनी देना है, तो यहाँ पर हम अभी सिंपली नो करते हैं, बाद में हम नॉमिनी को दे देंगे। अभी ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी ही, तो इसलिए हम आगे की ओर जितना जल्दी हो सके प्रोसेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोसीड अप, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ डिटेल्स अभी बाकी हैं, चलिए मैं उसको भी अभी फिल करके आपको आगे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके प्रोसेस आगे बता देता हूँ। सभी जो डिटेल्स होती है उसको यहाँ पर मैंने फिल कर ली है कंप्लीट तरीके से। अब चलिए हम सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दिए हैं, अभी फिर से लोडिंग होता है। अब यहाँ पर हमारी डिटेल्स को फेच किया जाता है, बताया जाता है कि डियर कस्टमर, करंटली वी आर एक्सप्रेसिंग सम चैलेंज विथ सेलेक्टेड ब्रांच, काइंडली सेलेक्ट अनदर ब्रांच एंड प्रोसीड। यहाँ पर हमने जो ब्रांच सेलेक्ट किया है इसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है ब्रांच में ही, चलिए हम अपने ब्रांच को एक बार चेंज कर लेते हैं। पर मैंने अपने सभी डिटेल को फिल कर ली है सिंपली। अब चलिए हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप भी इसी तरह अपनी कंप्लीट डिटेल्स को फिल करके उसके बाद प्रोसीड कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे जो ब्रांच है इसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो चुका है, इसमें भी शायद वही प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पर हमारी ब्रांच में ही शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर भी अदर ब्रांच भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी सर्च करूँ मुंबई, तो मुंबई का भी कोई ब्रांच नहीं आ रहा है या फिर अदर सिटी का भी कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत बार ट्राई किया उसके बाद भी नहीं आया। यहाँ पर मैंने अपने एड्रेस भी चेंज करके देखा, यहाँ पर मैंने परमानेंट से अदर करके कम्प्लीट दूसरा एड्रेस फिल किया, फिर भी यहाँ पर सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर बैंक में प्रॉब्लम होगा या फिर इसके ब्रांच में प्रॉब्लम होगा इसी वजह से, या फिर मेरे एड्रेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है इसी वजह से यहाँ पर मेरा पर जो डिटेल है नहीं हो पा रहा है। बट मैं फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं सामने, अभी ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत बार ट्राई किया बट यहाँ पर आगे की ओर नहीं जा रहे, प्रोसेस इसका नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम फिर से प्रोसीड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं लाइव ही यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं फिर से प्रॉब्लम हो गया है एंड तीन यहाँ पर ब्रांच शो कर रहे हैं। तीनों के तीनों जब यहाँ पर मैं ब्रांच सेलेक्ट कर रहा हूँ तीनों में सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर यस बैंक के यहाँ पर कुछ ब्रांच में प्रॉब्लम हो गया होगा इसी वजह से, या फिर मेरे एड्रेस में प्रॉब्लम होगा। बट जब आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर आएंगे एंड यहाँ पर अगर आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन प्रोफाइल का है, इसमें यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल्स आ जाती है, जो कि कुछ कुछ डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करने हैं, जैसे कि अपनी ऑक्यूपेशन या फिर अदर डिटेल्स जो कि आपको पता होगी अगर आप हर बार बैंक अकाउंट ओपनिंग की मेरी वीडियो देखते होंगे। तो थर्ड में यहाँ पर आपको प्रीव्यू कराया जाएगा कि यहाँ पर आपने जो जो डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पर रॉन्ग फिल किया है फिर राइट, अगर कहीं से आपसे गलती हो गई है तो वहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन मिलता है, आप उसको एडिट करके एंड यहाँ पर सही कर सकते हैं। देन उसके बाद से आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड जैसे आप वीडियो KYC कंप्लीट कर लेंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली तरीके से चालू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही प्रोसेस होता है यस बैंक में अकाउंट ओपन करने का। यहाँ पर हम अभी आगे वाले स्टेप में नहीं जा पा रहे हैं इसी वजह से मैं आपको प्रोसेस नहीं दिखा पाया। यहाँ पर मेरी कोई एड्रेस में प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर रीजन तो साफ साफ नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ ब्रांच आप चेंज करके देखिए, बट मैंने ब्रांच भी चेंज किया नहीं आगे जा रहा है, इस वजह से मैंने आपको आगे का ऑप्शन नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। आप इजीली यहाँ तक आते हैं तो अकाउंट को ओपन कर पाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही बैंक अकाउंट ओपनिंग के वीडियो बना देता हूँ, यहाँ पर मैं सभी में आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से मैं आपको आगे की प्रोसेस नहीं बता सकता, जैसे कि यहाँ पर अभी बैंक ही प्रॉब्लम कर रहा है इसी वजह से। सो आई होप वीडियो पसंद आया हो, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।